नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक प्रीमियम ईयरबड्स की। तो ये है वो Realme Buds Air 6 Pro। तो इस वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, साउंड टेस्ट वो सब टेस्ट करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो अभी हम शुरू करते हैं इसकी क्विक से अनबॉक्सिंग के साथ में। तो ये देखो, ऐसा कुछ इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है अपने को। यहाँ पर सामने देख सकते हो Realme Buds Air 6 Pro, और यहाँ पर देख सकते हो साइड में हाई रेंज ऑडियो वायरलेस LTE क्वालिटी का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर साइड में देख सकते हो ये इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, पीछे भी इसके कुछ डिटेल्स एंड मॉडल नंबर वो सब दिया है, और यहाँ पर साइड में भी इसके कुछ स्पेक्स है। उसके बाद मैं नीचे देख सकती हूँ Realme Link ऐप, तो इसमें आपको Realme Link ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर हमें ये एक अपना ईयरबड्स देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे अपने को ऐसा एक बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक यूजर मैनुअल देखने को मिलती है अपने को। उसके बाद में इसके साथ में आपको ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको एक इसकी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है टाइप ए टू टाइप सी की। तो ये है अपना Realme Buds Air 6 Pro, और ये अपने ईयरबड्स है। ऐसे कुछ इसके लुक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एक स्ट्रेट यहाँ पर देख सकते हो ये स्टिक जैसे है। तो ये इतना कुछ कंटेंट देखने को मिल जाता है अपने को इस बॉक्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले इसको अपने फोन के साथ में पेयर कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में अपना ब्लूटूथ चालू करना है। उसके बाद में इस ईयरबड्स के अंदर आपको एक पेयरिंग बटन देखने को मिल जाता है, तो उस बटन को आपको क्लिक एंड होल्ड करना है, जिससे ये पेयरिंग मोड में चले जाएगा। उसके बाद में अपने फोन में जो है इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। तो इसके अंदर आपको Realme Link ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है और लॉग इन कर लेना है इस ऐप के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ऐप के अंदर इसके काफी सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप इसके सारे फीचर्स वगैरह सब मैनेज कर सकते हो। तो इस ऐप के सारे फीचर्स आगे हम वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं इस Realme Buds Air 6 Pro के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका पूरा बिल्ड है, वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बिल्ड किया गया है। और यहाँ पर जो इसका केस है वो इस तरह से दिख जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर इसके अंदर Realme अलग ही डिजाइन से लिखा हुआ है एक सिलिकॉन के अंदर। तो यहाँ पर ये देखने में काफी यूनिक दिखता है। उसके बाद में आप देख सकते हो इसके ईयरबड्स वो भी काफी यूनिक शेप के हैं। तो इसका जो स्टिक है ईयरबड्स का, वो इससे सेपरेटेड है, इससे मर्ज नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा ही अलग स्टिक इसका देखने को मिल जाता है इससे, और जो बड्स है वो अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फिनिश और टच है काफी यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ऊपर आपको इसके टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप प्ले पॉज नेक्स्ट सब कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर आपको माइक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और नीचे देख सकते हो इसके अंदर आपको चार्जिंग कनेक्शन है वो देखने को मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए। और ये जो बड्स है वो भी काफी कॉम्पैक्ट साइज के, और इसका जो लुक और डिजाइन वो भी आपको एक प्रीमियम फील देता है। ओके, तो इन बड्स के अंदर आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इनके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इनके अंदर आपको डुअल ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने इनको नाम दिया हाईफाई क्वालिटी डुअल ड्राइवर्स। तो ये जो डुअल ड्राइवर्स है इसके अंदर आपको एक 6 mm का ट्विटर देखने को मिल जाता है फॉर ट्रेबल, एंड यहाँ पर 11 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। और इनके अंदर आपको 50 dB की स्मार्ट ANC भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो भी जितने भी बाहर के बैकग्राउंड नॉइस है, सराउंडिंग नॉइस है, पूरा यहाँ पर कट डाउन कर देता है, जिससे जो है आपको बाहर की बिल्कुल भी जो नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देती है। और इनके अंदर आपको हाई रेंज LTE कोडेक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर AAC USB-C कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है। और Realme Link ऐप से इसके अंदर आपको 360 स्पेक्टल ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और ये जो बड्स है वो IP55 वाटर रेजिस्टेंट को भी सपोर्ट करते हैं, जो केस है वो IP55 सपोर्टेड नहीं है। और यहाँ पर कॉलिंग के लिए इसके अंदर आपको 6 माइक कॉल नॉइस कैंसिलेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और भी इसके अंदर काफी कूल फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि इनके अंदर आपको इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने ईयर से जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ पर जो आपके जो भी सॉन्ग्स वगैरह पॉज हो जाएंगे, वापस लगाते ही वो चालू हो जाएंगे। और इनके अंदर आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप जो है एक ही साथ दो डिवाइस में स्विच कर सकते हो सीमलेसली। और यहाँ पर इनके अंदर आपको गेमिंग के लिए 55 ms की सुपर लो लेटेंसी भी देखने को मिल जाती है। और जो ये बड्स है इनकी 10 मीटर की रेंज है, और ये गूगल फास्ट पेयर को भी सपोर्ट करते हैं, एंड इनके अंदर आपको पर्सनलाइज ऑडियो सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इसके ये सारे फीचर्स वो Realme Link ऐप के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, वहां से ऑन ऑफ आप जो भी यूज करना चाहते हो वो सब वहां से यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर काफी देर तक जो है इसके अंदर मूवीज देखे हैं, सॉन्ग सुने हैं, तो यहाँ पर मुझे इसका जो साउंड है काफी इंप्रेसिव लगा। तो इसके अंदर आपको LTE कोडेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे इसका साउंड क्वालिटी वो नेक्स्ट लेवल बन जाता है। उसके बाद में इसके अंदर आपको डुअल ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो मिड फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, जो ट्रेबल्स रहता है, काफी क्लियरली सुनाई देते हैं। एक एक जो इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स वगैरह काफी क्लियरली और काफी अच्छे से सुनाई देते हैं। और इसका जो बेस है वो भी काफी आपको डीप बेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इन ईयरबड्स के अंदर आपको जो साउंड क्वालिटी वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ईयरबड्स चाहिए जिसके अंदर आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी देखने को मिले और बेस्ट ANC मिले, तो यहाँ पर इन ईयरबड्स को आप जरूर बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके अंदर इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है, इसके अंदर दो दो डुअल ड्राइवर्स है, और इसके अंदर काफी अच्छी आपको ANC देखने को मिल जाती है, इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अभी आप सोच रहे हो कि इसके अंदर बैटरी बैकअप कैसा मिलता है, तो चलो उसके बारे में भी बताता हूँ। तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि आप ANC ऑफ में इसे यूज करोगे तो इसके अंदर आपको 40 hours तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है इसके बड्स और केस के साथ में, और 10 hours का प्लेबैक टाइम मिलेगा ANC ऑफ में बड्स ओनली का। और अगर आप इसे ANC ऑन करके
यूज करोगे तो 28 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा बर्ड्स एंड केस का, और उसके बाद में अगर आप बर्ड्स ओनली का देखोगे तो 7.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। और इन ईयरबड्स के अंदर आपको टाइप सी की चार्जिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो इसका बर्ड्स और केस है दोनों ही यहाँ पर फुल होने में 120 मिनट्स ले लेते हैं, और यहाँ पर जो इसका केस है वो बर्ड्स को पूरा चार्ज करने के लिए यहाँ पर 50 मिनट्स लेता है। इसके अंदर आपको रियलमी लिंक ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले देख सकती हो नॉइस कंट्रोल्स, यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन में आपको 3 लेवल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है, मैक्स, मॉडरेट, माइल्ड, और यहाँ पर स्मार्ट में ऑटोमेटिकली स्विच करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। उसके बाद में आपको ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड, उसके अंदर आपको वोकल इनहांसमेंट का फीचर देखने को मिलता है, और जो स्मार्ट डीपिंग टेक्नोलॉजी वो भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आपको नॉइस कैंसिलेशन में पर्सनलाइज्ड नॉइस कैंसिलेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको इसके अंदर इक्यू मोड देखने को मिलते हैं, क्लियर वोकल, नेचुरल, बैलेंस। उसके बाद में आपको आपके पर्सनलाइज इक्यू भी है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आपको एक गोल्डन साउंड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको काफी अच्छा साउंड सुनाई देता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जो आपके ईयरबड्स पहन लेने हैं, उसके बाद में आपको 7 सेकंड तक एक जो है आपके ईयर कैनाल है उसको ये पूरा स्कैन करेगा, आपको अलग अलग जो है साउंड सुनाई देंगे। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट और राइट दोनों ईयरबड्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा स्कैन करेगा। तो यहाँ पर जो भी साउंड सुनाई देता है वो आपको कैसा सुनाई देता है, जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ रही है, वो यहाँ पर आपको सुन के टेस्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ पर ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों ईयर्स को है अच्छे से स्कैन करेगा। उसके बाद में आपको ये जो है टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में एक इक्विलाइजर मोड बना के देगा, उसके अंदर आपको जो लो, मिड, हाई सारे फ्रीक्वेंसी आपके ईयर्स के अकॉर्डिंग अपने आप ही उसको है वीक कर देगा। उसके बाद में आपको इस 360 स्पेक्ट्रियल ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको एलडे कोडेक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, डायनामिक बेस, वोकल एनहांसमेंट, वो सारे फीचर्स है। उसके बाद में आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप ईयर फिट टेस्ट भी है वो भी परफॉर्म कर सकते हो, आपको ईयरबड्स को कैसे फिट हो रहे हैं, माइंड फ्लो मोड भी है। उसके बाद में आपको बटन सेटिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद में मोर के अंदर आपको जो है इन ईयर डिटेक्शन है उसको वो भी मिलता है, तो उसे भी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो। ऑटो आंसर है, तो आप केस से जैसे ही बर्ड्स बाहर निकालोगे तो वो ऑटो आंसर हो गया आपके कॉल्स, वो भी है। तो यहाँ पर इतने सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो यहाँ पर आपने पूरा वीडियो देख लिया, इसके सारे फीचर, साउंड क्वालिटी, ए फीचर सब मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो अभी आप खुद जज कर सकते हो कि आपको ये ईयरबड्स बाय करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर मैं मेरे कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो ये ईयरबड्स है काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसका प्राइस रेंज है वो 4500 से लेके 4999 तक रहता है, ऑफर में 4500 तक मिलते हैं। और यहाँ पर इसका जो बेसिक प्राइस है 4999 मतलब ऑलमोस्ट 5000 तक मिल जाती है। बट यहाँ पर इस रेंज के अंदर आपको जो इसका फीचर्स है, इसकी बैटरी है, इसकी साउंड क्वालिटी वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाती है। आप इन्हें डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पर इसका छोटा भाई भी देखने को मिल जाता है, Realme Buds Air 5 Pro या फिर Realme Buds Air 6। तो ये Air 6 Pro है, तो यहाँ पर इसका Air 6 भी आता है, वो इससे सस्ता आता है, वो भी काफी अच्छे हैं। और यहाँ पर Air 5 Pro भी मिलता है, वो इससे सस्ता है, वो भी आप इसे बाय कर सकते हो। अभी तो प्राइस है वो भी डाउन हो चुका है क्योंकि ये Air 6 Pro आ गया है उसकी वजह से। तो अगर आपका बजट कम है तो आप Air 5 Pro भी ले सकते हो या फिर Air 6 भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रीमियम ईयरबड्स ट्राई करने हैं तो आप इन्हें बिल्कुल बाय कर सकते हो। अगर इन्हें बाय करना है तो लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।